हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानास किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पालक के पकोड़े बनाने की रेसिपी। बारिश का मौसम है और चाय के साथ पकोड़े खाने का मन करता है, तो ये हेल्दी पालक के पकोड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बनाकर इसको एंजॉय करें। तो चलिए देखते हैं पालक के पकोड़े बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम पकोड़ों के लिए बैटर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे पालक। ये एक पालक की बड़ी बंच ली थी मैंने और उसके पत्तों को निकाल कर वॉश कर लिया है और इसको इस तरह से कट कर लिया है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। अब यहाँ पे आप पालक और प्याज इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे पालक के पकौड़े बनकर रेडी होते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें काट कर ऐड की है। आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी अपने चॉइस के हिसाब से ऐड कर ले। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ और 2 चम्मच हम इसमें बारीक कटी हुई धनिया ऐड करेंगे, फ्रेश धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम इसमें कूटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़ों में। आधा छोटा चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर ले। अब मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब बेसन लिया है, इसमें का पूरा ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, बाकी का रख देंगे साइड में। और अब हम पकौड़ों का बैटर है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जितनी ज़रूरत हो उतना और बेसन ऐड करेंगे। मुझे थोड़ी सी और बेसन की ज़रूरत लग रही है, तो इसमें से और थोड़ा सा मैं बेसन इसमें ऐड करूँ, बाकी का बचा कर साइड में रख देंगे। और ये भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब पकौड़ों का बैटर है वो अच्छे से शेप होल्ड कर रहा है, बस इतना ही बेसन हमें ऐड करना है। तो ये देखिए, 1 कप में से भी थोड़ा सा बेसन बच गया है, तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही बेसन ऐड करें और पकोड़ों का बैटर रेडी कर ले। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और पकोड़ों के बैटर बनाने के लिए हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि पालक के पत्तों का और प्याज का पानी बहुत रिलीज़ हो जाता है। अब पकोड़ों को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने खुला तेल लिया है, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और हाथों पे थोड़ा सा बैटर लेके पकोड़ों का शेप देंगे और एक एक करके हम इसमें पालक के पकोड़े ऐड करेंगे। तेल का टेम्परेचर ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ज़्यादा गर्म, बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए तेल का, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। 2 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे हमें पकोड़ों को फ्राई करते हुए, और अभी आप देख सकते हैं पकोड़ों ने अपना शेप जो है वो अच्छे से होल्ड कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम हाई कर लेंगे और पकोड़ों को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, पालक के पकोड़े हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल कर एक टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो ये हमारे गर्मा गर्म हेल्दी क्रिस्पी पालक के पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं। आप इसको गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करें। इसके साथ आप टमाटो केचप या फिर ग्रीन चटनी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, और पालक के पकोड़े तो हेल्दी होते हैं, तो पकोड़े खाने का मन करे तो पालक के पकोड़े ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शानास किचन को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।